बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन हो जो आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे, फॉर एग्जांपल ये अगर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा, मैंने तरफ फिर ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इक्वेशन हो वो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे, उसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, सो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? जब इस तरह होता है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाए, दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी एंड लेट्स से वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल होंगे इसमें, सही है? इस तरह का अगर सीन बन जाए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सही है? या फिर मैं इस तरह बोलूं कि 2x plus 3y is equal to 10, या फिर 5x plus 4y is equal to 20, सही है? इसमें दो वेरिएबल x और y है और ये 10 20 कांस्टेंट है, ये दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है। तो ये सॉल्व किस तरह होता है? एक तो ये होता है ग्राफिकली, ग्राफिकली इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहला लाइन है, सही है? फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का लाइन बन रहा है, ये पहला वाला, ये पहला इक्वेशन का ग्राफ इस तरह का लाइन बन रहा है। दूसरे इक्वेशन का ग्राफ फॉर एग्जाम्पल इस तरह का बन रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही है? दोनों का ये जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये इनका कॉमन सोल्यूशन है। ये वो वाला पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वो पॉइंट है जिसे कि हमें तलाश है, सही है ना? जब आप इनको अल्जेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे आपको यही पॉइंट मिलेगा। तो ये तो आसान है बेसिकली, बट यू वॉन्ट बी गिवन अ ग्राफ, आपको ग्राफ तो नहीं देंगे ना कि ग्राफ में दो लाइन इंटरसेक्ट करवा के बोले भाई सब क्या कहते हैं पॉइंट किधर है, ये तो नहीं पूछना ना, ये सोल्यूशन थोड़ी पूछना है ना। अच्छा ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन गिवन हो कि दो मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन आपको इस तरह, उनका सोल्यूशन पूछो, चार ऑप्शंस हो, तो आपके पास ये दो तरीके हैं, या तो आप इनको सॉल्व करें या फिर वो चार ऑप्शन इनमें पुट करते जाएं, जो ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो इसका सोल्यूशन हो गया, सही है? नहीं तो आप लोग इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, सही है? वो तो आपको पता है, बट इसका टफ लेवल क्या होता है, टफ लेवल करते हैं। इस पर आता है वर्ड प्रॉब्लम, उससे फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता किस तरह है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई साहब पार्क में एक दिन बंदे चले गए, सही है? पार्क में, ये आप लोगों को इंग्लिश में गिवन होगा, सही है? आप लोगों ने इसको खुद मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पार्क में बंदे चले गए, सही है? आपको बोला कि चिल्ड्रन थे उसमें, चाइल्ड भाई जन थे और जो एडल्ट भाई साहब थे, सही है? ये लोग थे एडल्ट, मतलब ये मल्टीपल लोग थे, सही ना? ग्रुप ऑफ एडल्ट चले गए और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन चले गए, मतलब खवातीन नजर तो साथ में बच्चे बच्चे वगैरह। अच्छा आपको बोला कि एक एडल्ट की टिकट 5 रुपीज थी, एक एडल्ट की टिकट, सिर्फ इंडिविजुअल एडल्ट की टिकट 5 रुपीज थी, वो मेल हो या फीमेल, और एक चिल्ड्रन की जो चाइल्ड हो ना उसकी टिकट 2 रुपीज थी, सही है? एक एडल्ट की टिकट 5 रुपीज थी, एक चाइल्ड की टिकट 2 रुपीज थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि जो सारे टिकट से सारा पैसा पार्क ने कमाया वो था 500 रुपीज, टिकट से सारा पैसा जितना उस पार्क ने कमाया वो 500 रुपीज था, और ये भी बोला कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स जो गए थे ना वो थे 100। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको बोला है कि एक पार्क था उसमें सपोज मतलब चिल सिंह के लिए मतलब भाई साहब लोग चले गए ना, अब एक एडल्ट की टिकट थी वहां पे 5 रुपीज, एक चाइल्ड की टिकट थी 2 रुपीज। अच्छा जो सारा पैसा कलेक्ट हुआ है इनसे वो था 500 रुपीज, जो टोटल नंबर ऑफ बंदे गए थे उस दिन वो थे 100। तो आपसे पूछेगा कितने एडल्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एडल्ट्स वेंट टू द पार्क एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क। अब किस तरह करना है? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज, आप सपोज कर लेते कि चलो लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स बी एक्स, कि चलो मैं सपोज करता हूँ कि जितने एडल्ट्स गए थे ना वो एक्स नंबर के थे, आई डोंट नो व्हाट इज एक्स, आई डोंट नो व्हाट इज एक्स, बट लेट्स सपोज कि एक्स नंबर के गए थे। फिर हमने कंक्लूड करने की ओके अगर एक्स के गए थे, एक बंदे का टिकट अगर 5 रुपीज हो, अगर एक बंदे का टिकट 5 रुपीज हो तो दो बंदों का 10 रुपीज होगा ना टोटल, तीन बंदों का 15 आएगा, चार बंदों का 20 आएगा, तो एक्स नंबर का कितना आएगा, 5 ऑफ टाइम्स ऑफ एक्स। अगर एक बंदे का 5 रुपीज हो तो एक्स नंबर ऑफ बंदों का कितना आएगा, 5 टाइम्स ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कहते हैं ना वो थे वाई, number of children y gaye the, so for example if one child ticket costs 2 rupees so obviously y number of child's tickets will cost 2 times of y, for example if there were 3 childs 2 3 are 6 teen aayenge, teen bache hai 2 2 rupees ticket hai to teen chahiye aayega na, sahi hai? Acha now the condition is aapko given hai ki in tickets se jitna kamaya na unhone park wale ne wo tha 5 rupees, so here you have your first equation kya hai, 5x 5 times of x plus 2 times of y is equal to 500. Now read it out. एक number of adults x है, एक adult का ticket 5 रुपये है, ये 5x total money from adults ticket. Number of childrens y है, एक children की ticket 2 रुपीज है, total money from children ticket, and that is equal to 500. ये आपका एक equation बन गया. But this is not solvable. वो इसलिए क्योंकि दो variable है, एक equation है, which is not possible to solve. You need
नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल। अगर दो वेरिएबल है एक्स वाई तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, अगर तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड तो इक्वेशन मस्ट ऑल्सो बी थ्री। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूंगी एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, अब इसमें से एक्स की वैल्यू निकालें, यू जस्ट कैन नॉट सॉल्व फॉर एक्स बिकॉज यू कैन सॉल्व फॉर एक्स बट यू कैन नॉट गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू बिकॉज दो वेरिएबल की वैल्यू अननोन है। अच्छा दूसरे क्वेश्चन कहाँ से लाए, दूसरी इन्फॉर्मेशन भाई साहब आपको मिली कि टोटल नंबर ऑफ बंदे जो गए थे जो एडल्ट और चिल्ड्रन कंबाइन थे वो 100 थे। So if I have supposed that x number of adult थे plus y number of children थे तो total को मिला कि 100 ही बनना चाहिए ना, as it's given to me, as it's given to me, सही है? So now you have two beautiful equations in two variables. You solve them, graphically भी कर सकते हैं, algebraically भी कर सकते हैं, points भी put कर सकते हैं in case अगर आपको points given हो, but this is how you get. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, दिस इज आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ एनबीएस। एक सपोज करना है उसके साथ नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है दो इक्वेशन बन जाते हैं, सिंपल सही है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, या तो इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल x + y = 100 ना, सो y = 100 - x 100 - x एंड वो इसमें पुट करें y = 100 - x एंड 5x + 2 * y था आई थिंक यस 100 - x 100 minus x is equal to 500. सही है, 500 you solve for x from here. So यहाँ से x के लिए solve कर ले and आपके पास x की value आ जाएगी जो कि number of adults है and then आपके पास children की value आ जाएगी फिर आपके पास number of children की value आ जाएगी जो कि y है, सही है? Okay. Conversely ये किस तरह वो होना था, क्या कहते हैं अगर इसमें थोड़ा सा change कर, थोड़ा सा change। अच्छा पहला equation तो आप लोगों ने बना लिया था, इसी question को मैं सिर्फ repeat कर रहा हूँ, सही है? एक एडल्ट है, सही है, एडल्ट और ये यहाँ पे था चाइल्ड, सही है, यहाँ पे था चाइल्ड। ओके एडल्ट की टिकट की एक टिकट की कितने रुपीस की थी, 5 और ये चाइल्ड भाई साहब की कितनी की थी, 1 की थी, 2 की, सही है। ओके टोटल कितना था, 500। ओके बट नाउ यू आर नॉट टोल्ड कि टोटल 100 बंदे गए थे, सही है, ये आपको नहीं बताया। इंस्टेड आपको एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, वो इन्फॉर्मेशन ये कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन सॉरी नंबर ऑफ एडल्ट वर टू टाइम्स ऑफ, क्या कहते हैं, number of adults were two times of the number of children. जो number of adults थे ना वो two times the number of children थे, या फिर conversely कर लेते हैं क्योंकि children तो ज्यादा हो गए ना, parents तो कम ही हो सकते हैं। अच्छा अगर आपको बोले कि number of children were two times number of adults, सही है, तो इसके साथ आप लोगों ने इसी को solve करना है। तो चलो पहली equation तो वही बन गई ना, 5x plus 2y is equal to 500, चलो makes sense, सही है, 500। दूसरा equation कहाँ से बनाए, so you are told that the number of child which I have supposed y, number of child are two times of number of adults. So if the number of adults are x, the number of childs are y, so the twice the number of adults is equal to the number of twice the number of childs are equal to the number of adults. So ye equation dusra ban gaya, y is equal to 2x and this is your second equation, y is equal to 2x. Now this is very easy, just put 2x over here, 5x प्लस 2y है, सो 4x हो जाएगा बिकॉज 2 इंटू वाई की जगह 2 इसलिए, तो 4x इज इक्वल टू 500 एंड 9x इज इक्वल टू 500। नाउ डेफिनेटली ये भाई आप जब डिवाइड कर लेंगे ना, यू माइट नॉट गेट अ रियल नंबर सॉरी अ होल नंबर, तो आप लोग इसको राउंड ऑफ करने, अब 4.5 बंद तो नहीं हो सकते ना, यू डेफिनेटली हैव टू राइट आइदर 4 और 5, सो यू हैव टू राउंड इट ऑफ, सही है, एंड देन सिमिलरली यू फाइंड आउट द अदर वैल्यू। अच्छा ये हो गया, अब दूसरा करते हैं, ये आपको फॉर एग्जाम्पल मतलब आई थिंक इट माइट बी वेरी रेयर कि किसी को पता होगा, द थिंग इज के कभी कभी आपको डॉलर्स और सेंट और निकल्स का वो कन्वर्जन दे देते हैं, सेम ही होता है एक्चुअली कंसेप्ट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपको बोले ना कि एक भाई साहब के पास कॉइन्स है, सही है, ही हैज कॉइन्स, जिस तरह हमारे एक रुपये में क्या कहते हैं, 1 पाकिस्तानी रुपीज में क्या कहते हैं, 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं ना, उस तरह एक डॉलर में सेंट्स निकल और डाइम्स होते हैं, $1 is equal to, इसमें निकल्स भी होते हैं, निकल्स सही है, 20 निकल्स होते हैं, 10 डाइम्स होते हैं, 10 डाइम्स होते हैं और इसमें 4 क्वार्टर होते हैं। अब एक्चुअली इस तरह ना कि 20 निकल खुद $1 के बराबर होते हैं, मतलब $1 इक्विवेलेंट है या तो 20 निकल के या फिर 10 डाइम्स के या फिर 4 क्वार्टर के, सही है, इनको कॉइन्स बोलते हैं। अच्छा अब क्या करना है,
आपको क्वेश्चन में ये चीजें तो गिवन होगी, ये तीन चीजें तो गिवन होगी सही। अगर इन केस में ये एमसीक्यू दे दिया विच विल बी कंसिडर्ड एज अ हार्ड एमसीक्यू सही, अगर ये दे दिया तो ये होगा किस तरह। अच्छा फॉर एग्जाम्पल वो आपसे आपसे बोले ना कि एक बंदे के पास निकल और डाइम्स की कलेक्शन है सही, निकल्स और डाइम्स, एक बंदे के पास निकल्स और डाइम की कलेक्शन है, मतलब उसके पास निकल और डाइम के कॉइन्स है, उसके पास जो टोटल बन रहे हैं ना टोटल वो $3 बन रहे हैं, $3 सही है, उसके पास जो टोटल बन रहे हैं वो $3 बन रहे हैं। थोड़ा सा माउस खराब है इसलिए लिखने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। अच्छा $3 बन रहे हैं उसके पास सही है। नाउ रिमेम्बर चूंकि आपको कॉइन्स का बोला गया है ना, कॉइन्स का, तो आपने $3 को एक्चुअली इसमें लिखना होगा। ओके सही है, लेट्स नॉट कन्वर्ट इट, मैं बताता हूँ किस तरह। अच्छा आपके पास जो एक डाइम होता है ना, एक डाइम ये बराबर होता है $0.1 के, जो आपके पास एक डाइम होता है ना वो $0.1 के बराबर होता है। क्यों होता है? कॉमन सेंस से जब 10 डाइम्स हैं, 10 डाइम से $1 बनते हैं, तो एक डाइम से कितना बनता है, 1/10 जो कि 0.1 है सही है। सिमिलरली 20 निकल से, 20 निकल से $1 बनते हैं, 20 निकल से $1 बनते हैं, 20 निकल से $1 बनते हैं, तो एक निकल से कितना बनेगा, 1/20 जिससे आता है $0.05 सही है, $0.05 ये कन्वर्जेंस रेट याद कर ले। अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा कहे कि एक बंदे के पास कलेक्शन है निकल्स और उसकी, उसके पास जो टोटल कॉइन्स है वो 50 है, ही सेड दैट ही हैज अ टोटल कॉइन्स ऑफ 50, उसके पास सारे कॉइन्स जो है ना वो 50 है, जो उसके पास टोटल मनी बनते हैं ना उनको इनको वो करके वो लेट से $3 है, $3 सही है, टोटल कॉइन्स 50 और टोटल जो पैसा बन रहा है वो $3 है, तो नंबर ऑफ निकल्स और नंबर ऑफ टाइम फाइंड करें सही है। अच्छा तो क्या करना है, अगर क्या कहते हैं तो वही पहले सबसे पहले x नंबर ऑफ निकल सपोज कर सॉरी डाइम सपोज कर ले और y नंबर ऑफ निकल्स सही है। अच्छा अब एक डाइम जो होता है वो बराबर होता है $0.1 के सही ना, एक सॉरी डाइम जो होता है वो $0.1 के बराबर होता है, तो अगर नंबर ऑफ डाइम्स x हो तो टोटल कितना उस उन कॉइन से कितना पैसा बनेगा डॉलर का ऐसा, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स x हो सो 0.1 टाइम्स ऑफ x बनेगा सही, 0.1 टाइम्स ऑफ x। सिमिलरली अगर y निकल हो और एक निकल से 0.05 बनता है तो y टाइम से कितना बनेगा टोटल उस डॉलर का ऐसा, 0.055, सो 0.1x 0.1x प्लस 0.05y इज इक्वल टू कितने डॉलर थे, $3, कितने डॉलर थे $3, ये एक इक्वेशन हो गया एंड द अदर इक्वेशन इज सिंपल, x प्लस y टोटल कितने कॉइंस थे 50 कॉइंस थे, सो x प्लस y इज इक्वल टू 50, x प्लस y इज इक्वल टू 50, ये आपके पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल बन गए सही है, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। अच्छा अब इनको सिंपली आप लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी सही है। इन केस कभी कभी बाय मिस्टेक उन्होंने काम किया होता है वो इस तरह कर लेते हैं कि जो $3 है ना $1 के अंदर पर कितने कॉइन्स होते हैं, 300 कॉइन्स होते हैं जो कि सेंट्स क्वार्टर वगैरह में आते हैं, तो वो किस तरह कर लेते, 3 मल्टीप्लाई मतलब जो उसमें पेनीज होते हैं 3 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन फिर शायद आपको कन्वर्सली यही बनानी पड़े, 0.1x प्लस 0.05y इज इक्वल टू 300 और नीचे वाली एज इट इज है सही है ना, तो इसका सिर्फ ख्याल करना है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो ना तो आपने पहले ये लगा के सॉल्व कर लेना है, अगर वैल्यू मतलब पता चल जाएगा किसी तरीके से कि मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल के फॉर एग्जांपल आप इसमें से एक इक्वेशन सॉल्व कर ले वो पुट करके आपको पता चल जाएगा कि तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, जितने कॉइन्स है उससे तो ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो पॉसिबल नहीं होगा सही है, या फिर इस तरह ना हो तो फिर ये वाला तरीका अप्लाई कर ले, सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड पे 300 बन जाएगा और फिर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें सही है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये तरीका है। अच्छा कन्वर्सली आपको स्पीड डिस्टेंस में भी गिवन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीड डिस्टेंस में इस तरह गिवन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि एक बंदा चला गया क्या कहते हैं उसने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस देखी है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस देखी है सही है, 70 किलोमीटर का डी इज इक्वल टू 70, डी इज इक्वल टू 70 सही है, डी इज इक्वल टू 70 और उसका स्पीड था लेट्स कंसिडर हिम स्पीड, डी जो होता है ना आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम सही है ना, तो लेट्स मेक इट स्पीड, इसने जो स्पीड वाइज हमने ठीक किया वो था 70 सही है, स्पीड इसने ठीक किया 70, डी इज इक्वल टू 70 और टाइम इसकी अपनी जगह है सही है, टाइम अपनी जगह है सही है। अच्छा फिर ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था, जब वापस आ रहा था
डिस्टेंस सेम थी किया उसने, जब वापस आ रहा था डिस्टेंस उसका सेम था, उसने टाइम थोड़ा ज्यादा लगाया, उसने थोड़ा टाइम लेट से उसने टाइम लगाया टी प्लस टू, उसने 2 घंटे ज्यादा टाइम लगाया, सो दैट वुड बी 70 इनटू टी प्लस टू 70 इनटू टी प्लस टू लगाया उसने टाइम, सही है। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपके पास टाइम आ जाएगा, या लेट से उसने स्पीड भी उस वक्त चेंज दे दिया था, सही है, लेट से कि वो जब उसने टाइम ही वो लगाया तो स्पीड उसका कम हो गया होगा, तो लेट से 50 कर ले, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, जब एक जगह से जा रहा था दूसरी जगह, मतलब यहाँ से किसी जगह गया वही से वापस आया, एक दफ उसने जो स्पीड दे किया वो था 70, टाइम टी था, दूसरी तरफ जब आया उसने स्पीड 50 किया, टाइम टी प्लस टू 2 घंटे ज्यादा हो गया। ये आपको इंग्लिश में क्या बनोगा, आप लोगों ने इसको मैथमेटिकल कन्वर्ट किया, चूंकि ये इक्वल है तो 70 टी इज इक्वल टू 50 इंटू टी प्लस टू, ये कर ले, सॉल्व कर ले इसको, एंड आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, सही है, जब वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी योर आंसर, फॉर एग्जांपल यू गेट अ नेगेटिव वैल्यू डजंट मैटर, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप लोगों ने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है, और आपको ऑप्शन भी गिवन होंगे, सो आप लोग ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे ही क्वेश्चन बना ले आप सिर्फ ऑप्शन पुट कर ले उसमें, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए दैट इज योर आंसर, अगर वो सेटिस्फाई ना कर जाए सो दैट इज नॉट योर आंसर, तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, सही है, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करें, 70 टी इज इक्वल टू 50 टी, 50 टी प्लस 100, सही, इसको शिफ्ट करें, सो 20 टी इज इक्वल टू क्या कहते हैं 100, सो टी इज इक्वल टू 5, तो जब भाई साहब जा रहा था तो 5 घंटे, टी इज इक्वल टू 5, सॉरी लेट मी रीचेक इट, 70 टी इज इक्वल टू 50 टी प्लस 100, यस शिफ्ट करें तो 20 टी इज इक्वल टू 100, हाँ सही है, टी आपके पास 5 घंटे आया, तो ये भाई साहब जब जा रहा था, इसको भी चेक कर देंगे ना कि आप लोग बस टी पे 5 पे क्या कहते हैं आंसर टाइम पे, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, यू माइट हैव बीन आस्किंग उसका रिटर्न जर्नी क्या था, जब स्लो स्पीड कर रहा था तो वो टी प्लस टू उसने 2 घंटे ज्यादा लगाए थे, सो इट वुड बी 7 आवर्स बिकॉज 5 प्लस 2 इज 7, सही है, तो अगर कोई क्वेरीज वगैरह आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो अपन हाजिर है, थैंक यू।